अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब बच्चे के लिए मेरी जरूरत थी तो सब मेरे साथ खड़े थे, और जब सुमन वापस आ गई है तो मेरा सब कुछ इसको दिया जा रहा है। ऐसा है ये परिवार, सेल्फिश। ये सब क्या तमाशा है राय बहादुर जी? मैम ये झूठ बोल रही, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मिस्टर अंशुमन, ये सब बातें आप और आपकी फैमिली सीधा कोर्ट में साबित कीजिएगा। आपकी पत्नी यानी कि आपकी घर की बहू मिसेस संध्या को सुसाइड के लिए उकसाने के जुर्म में मिस्टर अंशुमन झा, राय बहादुर देवकी नंदन झा, मिथिलेश झा और नंदन झा को अरेस्ट किया जाता है। आप चारों के खिलाफ कंप्लेंट है। इंस्पेक्टर सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, ये परिवार ऐसे नहीं कर सकता, ये लोग ऐसे नहीं है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये सारी बातें झूठ हैं। हमारा राय बहादुर खानदान बहुत जाना माना खानदान है। हमारे बहुओं को बड़े प्यार से रखा जाता है, बड़े मान सम्मान से रखा जाता है, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती उनके साथ। सर प्लीज हमारी बात सुनिए, संध्या जानबूझकर हमारे परिवार पर झूठा इल्जाम लगा रही है, और ये लॉयर है, इसने जानबूझकर हमारे घर के मर्दों के ऊपर कंप्लेंट फाइल किया। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। ये लड़की देखिए सर, प्लीज हमारी बात सुनिए, ये सब बातें अब अदालत में होंगी, ले चलिए इन्हें। प्लीज अब आप क्या हाथ जोड़ते, प्लीज। सुमन, तुम जिस परिवार की दुहाई दे रही थी, तुम्हारे उस परिवार की सच्चाई अब मेरे सामने है। मुझे अब इस बच्ची को इस घर में नहीं रहने देना चाहिए। जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि इस बच्ची की कस्टडी किसको दी जाए, तब तक ये बच्ची कोर्ट की कस्टडी में रहेगी। मैम, हमने आपको बताया था ना कि डॉक्टर राजीव 15 दिन में आपसे इसको फिट प्रूव कर देंगे। डॉक्टर राजीव प्लीज, ये कोर्ट का ऑर्डर है। मैम, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आरती दीदी अपने बच्ची के बिना कैसे रहेंगी? प्लीज आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। चलो। नहीं, ये इस घर में रोज कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। बच्ची को कस्टडी में लो। रुक जाइए, प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। अरे ये बच्ची कोई खिलौना नहीं है, इतनी चतानी क्यों कर रही आप? प्लीज छोड़िए, कोशिश कीजिए, ये बच्ची बिन माँ के कैसे रहेगी, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? संध्या झूठ बोल रही है, उसने ये सब जानबूझकर किया है हमें फंसाने के लिए।
प्लीज समझिए। समझ आप नहीं रहे मिस्टर अंशुमन, मिसेस संध्या ने सुसाइड करने की कोशिश की है और कानून को इतना सबूत काफी है आप सबको सलाखों के पीछे डालने के लिए। ऊपर से सुसाइड के लिए उकसाना ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात हम अच्छे से जानते हैं और कोर्ट हमारे लिए भी तो है ना इंस्पेक्टर सर। बताइए सर, हमें दादाजी, पापा, अंशुमन जी और नंदन के बेल के लिए हमें क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? हम फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें बताइए। सुमन जी, इस केस में आपको कोर्ट से ही बेल मिल सकती है, लेकिन अब आज नहीं, सीधा मंडे को। मंडे? इंस्पेक्टर सर, हमारी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम अंशुमन जी से 5 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, पर ज्यादा समय मत लीजिएगा। थैंक यू। अंशुमन जी, सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने परिवार वालों के सामने कुछ और बोला, संध्या ने पुलिस और मीडिया के सामने कुछ और बोला, क्यों? तुम्हारी कसम सुन, संध्या ने मेरे साथ गेम खेला है, पर ना तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मुझे हम दोनों के एक होने की कोई जल्दी नहीं, ना ही मैंने संध्या को इसके लिए फोर्स किया था, बल्कि उसी ने ये आइडिया दिया था, उसी ने ये प्रपोजल रखा था ताकि हम बच्ची को आसानी से अडॉप्ट कर सके। मुझे बस छोटी सुमन की फिक्र थी, क्योंकि आरती 15 दिन की टाइमलाइन को लेकर बहुत परेशान थी और इसीलिए मैं उसके गेम प्लान में फंस गया। बिलीव मी। अंशुमन जी, जैसे दिए की लौ को अपनी रोशनी पर भरोसा होता है कि वो अगर मिट भी जाए तो उसकी रोशनी खत्म नहीं होगी, ठीक वैसे हमें यहाँ पर पूरा भरोसा है। I trust you। लेकिन आज मुझे एक बात समझ में आ गई सुमन, कि कोई मेरे विश्वास का ऐसे गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ये बात मुझे आज समझ आ गई, संध्या ने ये सब जानबूझकर किया हमें फंसाने के लिए, और मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। अंशुमन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम संध्या के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे और सच का पता लगाएंगे और फिर हम जल्द से जल्द इस समस्या को भी दूर करेंगे और संध्या को भी, बस हम पर भरोसा रखिए। आरती, आरती थोड़ा पानी पी लो। ये क्या किया आपने? मैं आपको इस घर में घर बसाने के लिए लाई थी, घर उजाड़ने के लिए नहीं। कैसे, आखिर कैसे आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? राय बहादुर खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। माय गॉड, तुम्हें क्या लगता है आचल, क्या मैं ये सब करने आई थी? मैंने इस घर को, इस परिवार को हमेशा अपना ही माना है। अच्छा, परिवार को अपना माना है, तो कोई ऐसे अपने परिवार का तमाशा बनाता है क्या? बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, घर में बैठ के भी तो इस बात का सलूशन निकाला जा सकता था। आपने सिर्फ भैया जी को नहीं बल्कि मेरे मिस्टर जी को भी जेल भिजवा दिया, और तो और इन घर के बड़े दादाजी पापा जी तक को अरेस्ट करवा दिया। अरे, अपनों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अब वो सब बाहर कैसे आएंगे? सुरभि माँ, जिसने सबको जेल भिजवाया है वही उन्हें वापस लेकर आएगी। अरे ये नकली आंसू बहाने बंद करो संध्या, और चलकर इंस्पेक्टर सर को बताओ सारा सच कि अंशुमन जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, तुमने अपनी मर्जी से उन कंसेंट पेपर्स पर साइन किया था, तुमने धोखा दिया अंशुमन जी को, अंशुमन जी ने नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो सुमन? सुरभि माँ, संध्या ने हम सबसे झूठ बोला है, उन मीडिया वालों के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, सबके सामने सिर्फ झूठ बोला है। इसने अपनी मर्जी से उन कंसेंट पेपर्स पर साइन किए थे, अंशुमन जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जरूर सुमन ने अंशुमन जी का ब्रेन वॉश करके उनको कुछ सिखा पढ़ा दिया होगा। इतनी शातिर रही ये लड़की, तभी तो अंशुमन जी जैसे देवता आदमी को झूठा बना दिया। लेकिन सुमन दीदी ऐसा करेंगी क्यों? अरे आचल,
तुम इसे नहीं जानती हो। इतनी बड़ी चालबाज है ना ये कि तुम्हारे मिस्टर जी एक टाइम पे इसके पीछे पागल बने घूमते थे। बंद करो अपनी बकवास, ऐसी बातें मत बोलो। ये सारी बीती बातें उसके, इसे मत कुरे दो। ये सब दफन हो चुका है। और एक सेकंड, ये बात को घुमाने से ना सच नहीं बदल जाएगा। गलती तुम्हारी है संध्या। और तुमने क्या कहा, अंशुमन जी देवता समान है। कोई देवता कुछ गलत कैसे कर सकता है, बताओ हमें। तुम्हारी वजह से, तुमने ही अंशुमन जी को मजबूर किया होगा कि वो मुझसे जबरदस्ती कंसेंट लेटर पे साइन ले ले। बड़ी माँ, माँ जी, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि कंसेंट लेटर पूरे परिवार के सामने भी लिया जा सकता था ना, या फिर रजिस्ट्रेड मैम के सामने भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, ये मुझसे अकेले में लिया गया। क्यों? क्योंकि ये सुमन की चाल थी। तभी तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्यों सुमन ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कंसेंट तो है, लेकिन मैं कहाँ। इस घर में जो भी आफत आता है तुम्हारे कारण ही तो आता है। अरे काम क्यों नहीं करती, दिल दिल कर सबको मारने से अच्छा है एक बार में जहर देके सबको खत्म कर दो, छुट्टी हो जाएगा। बस करिए दीदी, बहुत हो गया। अब सुमन को आप एक शब्द भी नहीं कहेंगी। जैसे हर बात में आप उसे क्यों कोसने लगती हैं, हर बात में उसी का दोष क्यों दिखता है आपको। लो हो गया, है? हो गया वो जो 28 साल में नहीं हुआ। पड़ गया छटकी और हमारे बीच फूट। अब तो पड़ गया ना तुम्हारे कलेजे में ठंडक, यही चाहती थी, देख लो। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, आप बस सुमन को दोष देना बंद कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे का ठीक हो जाएगा, बड़ी आई और काहे दोष ना दे हम इस मनहूस को, बोलो। अरे दीदी ऐसे बात बात में किसी को मनहूस कहना ठीक नहीं है, ऊपर बैठे भगवान भी सब देख रहे हैं। अरे तो फिर काहे ना बोल देती हो तुम छुटकी कि जो कुछ भी हो रहा है इस घर में सब हमारे कारण हो रहा है, भगवान जी हमारे कर्मों का सजा दे रहे हैं सबको, बोलो। बड़ी माँ आप दोनों प्लीज बहस मत कीजिए, आप दोनों तो हमारी माँ समान है। आप दोनों अगर ऐसे बहस करेंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और बड़ी माँ आपको ऐसा ही लगता है ना कि सारी फसाद की जड़ हम है, सारी गलती हमारी है, तो ठीक है आप सब हमें बस 48 घंटे का समय दीजिए, अगले 48 घंटे में हम सब ठीक कर देंगे। ये वादा है हमारा आप सबसे, और इस घर में तभी दोबारा लौटेंगे जब सच सामने आएगा। वादा है हमारा आप सबसे, और इस घर में तभी दोबारा लौटेंगे जब सच सामने आएगा। कान्हा जी हम बहुत कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारे परिवार की, हमारे अंशुमन जी की आरती दीदी कितनी परीक्षा। एक माँ से आपने उसका बेटा छीन लिया, चार निर्दोष वहाँ जेल में बंद है, हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है, हमारा पूरा परिवार टूट रहा है। कान्हा जी आपकी सुबह सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना कर रही है, प्लीज प्लीज हम बस कीजिए, बस कीजिए कान्हा जी, हम नहीं सह सकते, प्लीज बस कीजिए। क्या हुआ सुमन? न्याय चाहिए? घर पे तो प्रॉमिस करके निकली थी कि सब ठीक कर दूंगी, और यहाँ भगवान के सामने गिड़गिड़ा रही हो। ऐसे कैसे अपना प्रॉमिस पूरा करोगी सुमन? तुम्हें क्या लगता है संध्या, हम हार जाएंगे? तुम्हें पता है
जब झूठ दो कदम आगे बढ़ा लेता है ना, उसे लगता है वो जीत जाएगा। लेकिन तुमने तो सुना ही होगा, बुराई की जीत कभी नहीं होती, हर युग में अच्छाई की जीत ही हुई है। और हमें अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे हमें, और फिर हम तुम्हारा साथ सबके सामने लेकर आएंगे, सबको बताएंगे कि तुम कितनी बड़ी चोटी हो, कितना फरेब कर रही हो, विश्वासघात कर रही हो हमारे परिवार के साथ। और ऐसे हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। और अगर मैं यूं कहूं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक रास्ता है, तो तराजू के एक इस पल्ले में तुम्हारा ईगो और दूसरे पल्ले में तुम्हारे प्यारे अंशुमन जी। चलो एक डील करते हैं। ये डील तुम्हारी सारी प्रॉब्लम झटके में सॉल्व कर देगी। डील सुनना चाहोगी? आरती ठीक हो? रो नहीं, रो नहीं। हमारी सुमन कहाँ है? आ जाए छोटी, हमारी सुमन क्या नहीं रह पाएंगे बिना? कहाँ है हमारी सुमन? हम नहीं रह पाएंगे उसके बिना, पता नहीं कैसे होंगे, क्या कर रही होगी हमारे बच्चे। आरती बेटा संभालो अपने आप को, और सुमन ने वादा किया है तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है सुमन ने वादा किया और उसे पूरा ना किया? देखिए वो पक्का तुम्हारी बच्ची हमारी छोटी सुमन को लेके ही लौटेगी। अरे झूठा दिलासा मत तो छोड़ के हमारी बिटिया को, जिसके कारण ये सब हुआ है इस घर में, उसका खाक लेकर आएगी हमारे नातिन को। अरे वादा करने में और निभाने में बहुत अंतर होता है, सब बर्बाद करके रख दिया इस घर में, सत्यानाश जाए इसका। बड़ी माँ, माँ जी देखिए सब आ गए। अरे अंशुमन भैया, अंशुमन नंदन, मौजी चाची आप सब ठीक है ना? पापा हमारी बच्ची का आप उसे कहाँ छोड़ा है बताइए ना, हमारी बच्ची का? छोटी सुमन सुमन के साथ है। आरती दीदी आप क्या बोल रही हैं? देखिए आपकी सुमन आपके पास आ गई, अब इसे आपसे दूर कोई नहीं ले जाएगा और ना इस परिवार पे कोई मुसीबत आएगी। अब आपकी सुमन हमेशा आपके साथ ही रहेगी। हमें पता था सुमन, तुमने वादा किया है तो हर हाल में पूरा करोगी। तुम हमारी बच्ची को लेके आ गई सुमन, तुमने इस घर की बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे तरह निभाया बेटा। लेकिन सुमन तुमने बताया नहीं कि तुमने ये सब मैनेज कैसे किया, जबकि वकील साहब ने तो कहा था कि मंडे से पहले बेल हो ही नहीं सकती। सुमन ने कुछ नहीं किया है। आप लोगों को फ्री मैंने कराया है। सुमन ये संध्या क्या कह रही है? सुमन क्या ये सच है? सुमन ये जो कह रही है ये सच है? बताओ इन्हें सुमन, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो इनको तो बस झूठी लगेगा। संध्या बिल्कुल सही कह रही है, इसने अपना केस वापस लिया और इसी वजह से आप लोग पुलिस कस्टडी से बाहर हैं।
शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रही हूँ। शायद हाँ और शायद ना भी। यही एक खेल है जिससे तुम सब सही कर सकती हो। जब जेल से सब बाहर आ जाएंगे तो आरती को भी उसकी बच्ची मिल जाएगी। और तुम्हारी शर्त क्या है संध्या? बहुत सिंपल है, तुम्हें इस घर की बहू और अंशुमन जी की पत्नी होने का दर्जा छोड़कर यहाँ से जाना होगा। और तभी मैं अपना केस वापस लूंगी, फिर इस परिवार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सोच लो सुमन, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास, तभी तो तुम अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सकती हो। डोंट वरी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अंशुमन जी और इस परिवार को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां दूंगी। बोलो, डील मंजूर है? मंजूर है।